one third standard, as I explained in video number 4, the topic water from where. The rest of questions I explained today. The first questions: do you have to go far to get water? How much time does it take to bring the water? यहाँ आपको पूछा गया है कि क्या आपको कहीं दूर की जगह पे पानी लेने जाना पड़ता है, वहाँ से आपको पानी लाने में कितना टाइम लगता है? सो द आंसर इज नो. इन टाउन वाटर इज सप्लाइड टू होम, बट इन विलेज वाटर इज टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस. यहाँ पे आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि टाउन जो है, टाउन में वाटर सप्लाई होता है वाटर डिपार्टमेंट में से होम्स में. बट इफ यू आर गोइंग इन विलेजेस, यू कैन टेक और ब्रॉट वाटर फ्रॉम अ डिस्टेंस प्लेस, बहुत मीलों दूर जाके फिर वहाँ से पानी आपको लाना पड़ता है, जिसमें आपको काफ़ी समय लग सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक द राजस्थान, so we can face the shortage of water in Rajasthan. So for the drinking water and for cleaning their activities, they bring water from distant place and they take more and more time to brought water from that place to home. So the answer is no. In towns water supplied in homes, but in villages they brought water from a distance place. Distance मतलब दूरी वाली जगह से. Far, do your neighbors bring water from the same place? यहाँ पे आपको पूछा गया कि क्या आपके neighbors मतलब कि पड़ोसी भी वहीं से पानी लाते हैं एक ही जगह से? तो आंसर आएगा yes. My neighbors bring water from the same place. क्या आएगा? Yours. My neighbors bring water from the same place. Now third one question is, why do we need water to store in house? घरों में पानी हमको स्टोर करने की जरूरत क्यों होती है? तो वाटर इज स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी use in water supply is not available. Water हमें store करना चाहिए because जब water supply ना हो तो हम उसका use कर सकते हैं. कब करना चाहिए हमें? वहाँ घर में पानी क्यों स्टोर करके रखना चाहिए? Because when we need water, that time we can use it, and when the supplier don't supply the water to our home, we can use the stored water. That is the answer. Now fourth one question is, who fetches and stores water in your house? क्या पे यहाँ पे क्या लिखा है कि who fetches and store water in your house? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? My parents, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं आपसे बड़े. If you are living in joint family, your uncles, aunts, all family members, rest of you fetches the water in your house. या तो फिर आप न्यूक्लियर फैमिली में हो तो my parents fetches and store water in my house. So are there certain people who are not allowed to take water from there? यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपके कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ से आपको पानी लेने के लिए सख्त मनाई करते हों? ऐसा है? आपको कहीं क्या आपने ये कभी देखा हो कि भाई कहीं आपको
पानी लेने के लिए मना किया गया हो, ऐसा कोई जगह आपने देखी है, तो आप क्या लिखोगे? यस, क्या लिखोगे? यस, इन माई विलेज। द ओल्डर पीपल, यहाँ पे आई एल का आंसर द ओल्डर पीपल। वॉट डू यू फील, डिड चुस्किट ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना? हियर इज अ वन स्टोरी विच आई रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर। द स्टोरी इज लाइक दिस। चुटकी इज कंफ्यूज, हीरेन एंड चुस्किट वॉर फीलिंग वेरी थर्स्टी। थर्स्टी मतलब कि प्यासे। ये एक स्टोरी है जिसमें हीरेन और चुस्किट नाम के दो बच्चे हैं जो दोनों बहुत थर्स्टी मतलब कि प्यासे खुद को समझ रहे, मतलब खुद को बहुत प्यास लगी ऐसा बता रहे हैं। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर्स। उनके जो अंकल है उन्होंने उन दोनों बच्चों को स्टील के ग्लास में, टम्बलर मतलब कि ग्लास, स्टील के ग्लास में उनको पन्ना दिया। पन्ना मतलब द वाटर ऑफ मैंगो। बट चुस्किट वॉन्टेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर। बट चुस्किट जो नाम का जो बच्चा है उसको सिर्फ ग्लास के ग्लास मतलब कांच के ग्लास में ही वो पन्ना पीना है। बट चुस्किट वॉज नॉट हैप्पी। क्यों? और अंकल पोर्ड द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर। उसके अंकल ने उसको ग्लास के टम्बलर में फिर भी वाटर दिया, लेकिन फिर भी वो चुस्किट खुश नहीं है। जो एक लड़की है चुस्किट वॉज नॉट, शी कंप्लेन अंकल यू हैव गिव मी लेस पन्ना। उसने कंप्लेन किया कि आपने अंकल मुझे लेस पन्ना दिया। एज यू कैन सी दिस टू स्टील टम्बलर एंड दिस वन इज ग्लास टम्बलर, सो दैट इज द डिफरेंस। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो क्या आएगा? नो, चुटकी'स ग्लास टम्बलर डिड नॉट हैव लेस पन्ना बिकॉज एज यू कैन सी दैट दिस ग्लास टम्बलर इज वाइड फ्रॉम द माउथ एंड टॉप एंड नैरो फ्रॉम द बॉटम। सो द क्वांटिटी ऑफ पन्ना इज सेम पोर्ड इन दिस ग्लास। बट चुस्किट को ऐसा लगता है जो कि एक लड़की है कि अंकल ने उसे लेस पन्ना दिया, तो वो आंसर होगा नो, चुस्किट ग्लास टम्बलर डिड नॉट हैव लेस पन्ना। ना यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ग्रिप दिया गया है जिसमें से आपको सेवन वाटर बॉडीज या वाटर जहाँ से मिलता है वहाँ से देखना है। तो यहाँ पे WATER FALL वाटर फॉल, जहाँ पे आपको सर्कल करना है जहाँ से हमको वाटर मिल सकता है। LAKE लेक, फिर यहाँ पे आएगा WELL वेल, जहाँ से हमको पानी मिल सकता है। देन सी, देन रेन, वेर इज रेन, RRRRAIN रेन, POND पॉन्ड। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 One more is less. Where is that? What is that? See, same on. No, so here 1, 2, 3, 4, 5, and 6 Tap, T-A-P, tap. So here are the 7 वाटर गेटिंग मटीरियल्स जहाँ से हमको पानी मिलेगा। वाटरफॉल है, वेल है, LAKE लेक है, SEAC जहाँ से समुद्र में से भी हमको पानी मिलता है, रेन RAIN रेन, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, फिर POND पॉन्ड, फिर नल TAP टैप, जो नल है उसमें से भी हमको
पानी मिलता है. सो एज यू कैन सी दिस इज अ ग्रेट एंड हियर सेवन वाटर गेटिंग मटेरियल इज मेंशन एंड वी फाइंड इट. सो वाटरफॉल आंसर इज वाटरफॉल. Well, then lake, sea, rain, pond, and tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. These are 7 which we find from this. Read. Now you have to give some questions answer which are oral, and here some pictures are given to you and two questions are there which will contain the least water. Least matlab kam se kam water aapko kya lagta hai isme se kisme aayega. According to me it is this tumbler, lotte jaisa hai wo. Then which will contain the most water, सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा according to you? दो चीज़ों में, एक और दो, right? And three. These three things contain most of water. So you have to write these questions answer from the PDF which I sent, जो मैंने भेजी थी. And you have to read that questions answer carefully, and if you have a query please mention in the online. Thank you and have a nice day.